हेलो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी गार्डन में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एरिनियम जो कि 4 साल का है पुराना, और इसका कॉडेक्स देखिए कितना एकदम मोटा है, और इसके ब्रांच भी देखिए। ठीक है, तो ये है मेरा एरिनियम जो बहुत फ्लावरिंग कर चुका है और सीड भी बना चुका है, और फिर से ये फ्लावरिंग करने के लिए खुद को रेडी कर रहा है। छोटे छोटे इसमें फ्लावर बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा है एक एरिनियम जो 4 साल का पुराना है। और इस तरफ है स्वीट पोटैटो वाइन जो अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। इसका ब्रांचेस जो है बहुत एकदम मैच्योर हो गया है। तो इसके नीचे जो ग्रो बैग के अंदर जो है वो स्वीट पोटैटो रेडी हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए। तो मैं 2-4 दिन के अंदर इसको हार्वेस्ट कर लूँगी, नहीं तो वो ख़राब होने लगेगा। और इस तरफ है मेरी यूफोबिया मिली, और इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए। बहुत दिनों बाद मैं अपने टेरिस पे काम कर रही हूँ। इस साल मैं नए से, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस साल मैं फिर से नए से गार्डनिंग करना शुरू की हूँ, क्योंकि बीच में जो लॉकडाउन के सीज़न जब चल रहा था 2020 से 2022 तक जो लॉकडाउन चल रहा था, तब तो सभी लोगों ने गार्डनिंग शुरू की थी, लेकिन मैंने अपने गार्डनिंग बंद कर दिए थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक, ये सब कुछ मिला के मैं बहुत ट्रबल में थी। तो इसलिए मैंने गार्डनिंग टोटली स्टॉप कर दी थी। तो इस साल फिर से मैं नए तरह से शुरू कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरा गार्डन थोड़ा मेसी हो गया था, उसको मैं ठीक कर रही हूँ, और थोड़े थोड़े करके पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस अभी इस साइड थोड़ा बाकी है मेरा। ठीक है, और ये है यूफोबिया मिली, छोटे जो होते हैं ना वो। और इस तरफ है मेरा अपराजिता, ये अलग से एक प्लांट था, उसका स्टेम काट के, वो प्लांट ख़राब हो गया था, तो उसका स्टेम मैंने यहाँ पे लगा दिया अपराजिता को सपोर्ट देने के लिए। और इसमें देखिए, ये प्लांट भी मेरा शौक में चला गया था, तो अभी देखिए इसमें थोड़े छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं। तो आई होप कि ये 2-4 दिन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। और इस तरफ है मेरे बहुत सारे एलोवेरा। मेरे छत पे ना एलोवेरा का जंगल बन गया था, तो एलोवेरा मैं बहुत ऐसे जो एलोवेरा हो गया था मेरा, ऐसे इसमें स्पॉट आ गया था, सनबर्न टाइप का हो गया था। तो इस ऐसे एलोवेरा को मैंने अपने सारे जो पॉट्स के अंदर मैंने डाल दी है मिट्टी में। और इस तरफ मैंने एक लगाई बैंगन की पौधा, और ये कौन सी पौधा है मेरे को पता नहीं, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। और इस तरफ शायद कोई सीड्स जर्मिनेट हो रहा है, पता नहीं। मैं ना समय समय पे कुछ कुछ सीड्स अगर मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं इधर उधर डाल देती हूँ, तो बाद में वो जब निकल आता है तो मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी सब्जी की सीड्स डाली थी। और इस तरफ है मेरे कलांचो, और ये भी देखिए इसमें भी फ्लावर छोटे छोटे हैं अभी तक, और इसका मैं रिपोर्टिंग करूँगी। ये करीब 5-6 साल हो गया इसी पॉट में लगा है, और इसी में ये फ्लावरिंग भी कर रहा था, तो अभी इस साल मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूँगी। और इसके देखिए मिट्टी भी बहुत कम हो गया, तो इस साल मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूँगी विंटर के पहले। अब आ जाती हूँ इस साइड पे, यहाँ पे मेरे एक 12x12 इंच का ग्रो बैग रखा हुआ है, जिसमें मैं कुछ सब्जी या कुछ लगा लूँगी। मेरे पास प्लांट्स बहुत सारे हो गए और मिट्टी एकदम भी नहीं है। और ये एक 24x24 इंच का ग्रो बैग है, जहाँ पे मैंने देखे ऐसे कद्दू और मूली की ये छोटे छोटे सीडलिंग्स लगा दी है। अभी बहुत सारे कद्दू की मैंने यहाँ पे सीडलिंग्स लगाई है, और जो चल जाता है चलेगा, नो जो नहीं चल पाता है वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं उसको बाद में उठा के फेंक दूँगी। और शायद देखिए वो मेरा जो कद्दू का छोटा सा सीडलिंग था वो शायद नहीं चलेगा, ये शायद ख़राब होने लगा है। तो ऐसे करके मैं 4-5 पौधा लगा लेती हूँ, जो उसमें से 2-3 चल जाता है।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेरे भिंडी का पौधा। यहाँ पे मैंने 15x15 इंच के ग्रो बैग में 4 भिंडी के पौधे लगाए थे, जिसमें 3 जो है बहुत अच्छे से, ये 2 बहुत अच्छे से ग्रो किया है, ये थोड़ा स्लो है और ये एकदम पीछे पर गया है। तो ये इसको मैं उठा के किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस 15x15 इंच के ग्रो बैग में मेरे 3 ही भिंडी के पौधे रहेंगे। और अब आ गई हूँ यहाँ पे, इसमें मेरा जो है सारे फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कोई भी मैं पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, सारे मेरे यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसके साथ इस ग्रो बैग में, 12x12 इंच का ग्रो बैग में, यहाँ पे एक सीम फली का पौधा, एक सीम फली है, और इसमें देखिए ऐसे ना चींटियाँ आ जाता है, तो इसमें कीड़े का अटैक हो जाता है। अभी बारिश का सीज़न है, बारिश हो भी रही है, तो मुझे आज रात को या नहीं तो कल मेरे को इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। और इसके साथ इसमें है एक छोटा सा टमाटर का पौधा। अब आ गई हूँ इसके पास है, ये भी 12x12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें है एक करेले का पौधा। सभी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले बड़ा ग्रो बैग नहीं था, यही था, तो मैंने इसमें ही लगा दिया। अभी देखती हूँ क्या होता है। और इसके पास ये भी है एक 12x12 इंच का ग्रो बैग, इसमें है 2 सिंफली का पौधा, इसमें 2 सिंफली लगा है। और इस साइड है 2 मिर्च का पौधा, 2 मिर्च है इस साइड, इसमें है पालक, और ये शायद अदरक का पौधा है, ये अदरक का निकला है, ये भी अदरक का है। और इसमें मैंने थोड़ी बहुत पालक भी छिड़क, पालक के बीज जो है डाल दी थी, उससे ये पालक भी निकल रहा है। इससे क्या होगा, मेरे नीचे जो है अदरक बन जाएगा, ऊपर से मैं थोड़ी बहुत पालक भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर सकती हूँ। और इस साइड है मेरे और एक एलोवेरा, और इसमें है मेरा 12 मासी नींबू का पौधा, ये 12 मासी नींबू है, ये साल भर ये फ्रूटिंग करेगा। और इसमें देखिए अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है, 3 फ्लावर इसमें खिल चुका है, एक ये है, 2 यहाँ पे है। और इस साइड है मेरे एक टब, इसमें मैंने मूली के छोटे छोटे सीडलिंग्स लगा दी है। और इस पे है मेरा मलबेरी स्पिनच, जिसको पुई साग बोलते हैं, और ये देखिए एकदम ऊंचा चला गया है। और मेरे जो सेम फली है, ये भी मैंने ऐसे क्रीपर नेट में डाल दिया है, तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी तक ये फ्रूटिंग पे नहीं आया है। और इस साइड ये मेरा किस चीज़ का पौधा है मेरे को पता नहीं, ये अपने से ही गमले में निकल आया, तो मैंने इसको लगा भी दी है। और इसमें देखिए एक छोटा सा ऐसे छोटू सा फल कुछ चीज़ का बना है, ये क्या है मेरे को बताना प्लीज़। और इसमें सारे जो है मेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं है, 2 एक फीमेल फ्लावर्स था और सारे मेल फ्लावर्स। और इस साइड है मेरा कद्दू का पौधा, कद्दू का देखिए, और देखिए पत्ते का साइज़ देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे भी मैंने को थोड़ी बहुत मूली के सीडलिंग्स लगा दी थी, और कद्दू के पीछे ये छोटे छोटे 2 मिर्च का पौधा है, यहाँ पे है मेरे 2 बैंगन के पौधे, और वो एक है बैंगन का पौधा। और इस साइड है एक टमाटर, ये एक मेरा 7 साल का पुराना, ये 7 ईयर्स पुराना ये मेरा एडेनियम है। और इसमें है, इसे कहते हैं बैंगलोर हिबिस्कस, तो ये है एक बैंगलोर हिबिस्कस का पौधा है छोटा सा। इसमें मेरे जीजी प्लांट, और जीजी प्लांट के पास ये 2 तुलसी, एक रामा तुलसी और एक कृष्णा तुलसी ऐसा कुछ बोलते हैं, ये निकल आया है। और उस साइड है एलोवेरा बहुत सारा, और उस साइड है फिर 2 लौकी का पौधा, और यहाँ पे मैंने कुछ गाजर की सीड्स डाली थी, तो ये गाजर की शायद प्लांट बन रही है। और ये किस चीज़ का पौधा है मेरे को नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बता दीजिएगा। ये शायद मटर का पौधा है, पीस जिसे बोलते हैं। और कुछ कुछ पौधा इधर भी बन रहा है, ये एक इधर छोटा सा नींबू का पौधा बन रहा है,
और ये अमरथस है, ये सदाबहार इस तरफ, ये एक हिबिस्कस है, ये एक मिर्च का पौधा है, ये भी एक हिबिस्कस है मेरा यहाँ पे। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप लोग देख रहे हो ना, ये पे मैंने थोड़ा इसमें फंजीसाइड स्प्रे की थी, तो उसकी वजह से शायद ये सब पत्ते को मेरा हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है, बारिश भी हो रही है साथ में। और ये बहुत सारे अमरथस है, और ये इस तरफ है मेरा नीम का पौधा, ये एक और बैंगन सदाबहार, वो भी बैंगन, और इस तरफ है मेरा स्पिनच। देखिए स्पिनच कितने घने हो गए, मैं इसको कल हार्वेस्टिंग कर लूँगी, खाने में थोड़ा यूज़ कर लूँगी इसको। और ये भी एक है बैंगन, और इसके पीछे मैंने एक लगाई है वो गेंदे का एक कटिंग, और ये भी कुछ निकल रहा है पता नहीं। और ये है मेरा मूली का सीडलिंग्स, जहाँ से मैंने उस टब में लगाई है। ये है रेन लिली, रेन लिली, रेन लिली का बल्ब मेरे पास बहुत सारे हैं, किसी को अगर चाहिए तो बोलिएगा। यहाँ पे है मेरा उसे मोगरा, मोगरा का प्लांट, और यहाँ पे एक और तुलसी का प्लांट, और यहाँ पे है मेरा दो मोगरे के प्लांट, एक ये जो मोगरे का प्लांट है मेरा बड़े वाले पॉच में, इसको ना मेरे जो पड़ोसी है उनको थोड़ा जलन की बीमारी है, किसी के कुछ प्लांट्स वो अच्छे देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने ना देखिए ऐसे सारे ब्रांच को मेरे तोड़ दिए थे, ऐसे ना पकड़ पकड़ के ऐसे मरोड़ मरोड़ के उसने सारे ब्रांच, देखिए इधर से उधर से सारे ब्रांच उन्होंने तोड़ दिए थे। हाँ ये कटिंग नहीं है, ये उन्होंने तोड़ा है, पकड़ के मरोड़ के उसको तोड़ा है। तो ये मेरा प्लांट एकदम ख़त्म हो गया था, मैं बहुत रो रही थी कि मेरा इतना सारा अच्छा प्लांट था मेरा, ये जो उन्होंने देखिए ये तो नर्सरी का ही कटिंग था, लेकिन इस तरफ से और इस तरफ से उन्होंने एकदम दोनों साइड से तोड़ दिया था मरोड़ मरोड़ के सारे ब्रांचेस। तो अभी मैं तो बहुत रो रही थी कि ऐसा क्यों किया यार, प्लांट के साथ कौन ऐसा करता है। हाँ तो अभी देखिए ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा दर्द को समझा, और ये इसमें इतने सारे ब्रांचेस अभी निकल भी आए हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू कर दी है, बहुत सारे फ्लावरिंग की है, और ये सेकेंड टाइम इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है। और ये मेरा नीचे था तो मैं इसको उससे बचाने के लिए मैं इसको ऊपर छत पर ले आई हूँ। और ये मेरा और एक मोगरा का प्लांट है, देखिए ये एक छोटू सा प्लांट है, वो प्लांट भी मेरा ऐसे ही छोटू सा था और उसने ऐसा कर दी, तो मैंने उसको ऊपर ले आया और इसको थोड़ा बहुत टेक कर गया और प्लांट मेरा अच्छा हो गया। और अभी इसी छोटू सा प्लांट को मैं टेक केयर, और उसके फूल देखिए कितने बड़े बड़े इसमें फूल खिल गए हैं, इसके जो कलिया है देखिए कितने बड़े बड़े एकदम मोती की तरह साइज़ का कलिया है, छोटा एकदम नहीं, क्योंकि मैं अपने प्लांट को बहुत अच्छे से टेक केयर करती हूँ। और ये है मेरा कनेर का, और इसमें भी अभी बर्ड्स बन गई है, इसमें फ्लावरिंग हो गई है, और इसमें भी अभी बर्ड्स है, तो ये भी धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये है मेरे छोटे से टेरिस गार्डन, एकदम छोटा, आप इसको टेरिस नहीं बोल के इसको बालकनी बोल सकते हो, लेकिन ये है तो टेरिस ही, लेकिन साइज़ इसका बहुत ही छोटा है। तो ये छोटू सा मेरा गार्डन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।